कि आपके चेहरे के ऊपर भी वो काली सी परत आ रखी है, अक्सर लोगों के गाल पे आ जाती है, कि आपके चेहरे के ऊपर भी अनइवन स्किन टोन हो गया है, डार्क स्पॉट्स, पैचेस बन गए हैं। जब भी मेकअप करते हैं तो वो स्किन अलग से हाईलाइट होती है, यानी कि नाक के आसपास जो डार्कनेस है बहुत ज्यादा दिखाई देती है और वो चीज ज्यादा फोकस हो जाती है आपके साथ। और इस फेस्टिवल सीजन में आप अपनी इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का निदान पाना चाहते हैं, आइए कैसे आप अपने उस ग्लो को अचीव कर सकते हैं मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, सारा नुमेर त्रिपति, बहुत बहुत प्यार, क्या हाल चाल है, आशा करती हूँ आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। मैं हूँ रेखा सिंह, इस चैनल का नाम है रेखा सिंह लाइफ, यहाँ पर मैं इसी तरह के मैजिक अक्सर रहती हूँ और मेरी फैमिली इन मैजिक को करके बहुत ज्यादा खुश है। तो अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे की फ्यूचर वीडियोज आप देख पाएंगे, विद बेल आइकॉन कीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियो देखने से आप चूक ना जाए। इसके साथ में ही एक लाइक का बटन है, उसको आपने प्रेस कर देना अगर वीडियो में आप कुछ भी थोड़ा मेरी इंस्पिरेशन के लिए मेरी बूस्टर। हमने करना क्या है, सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग इसलिए जरूरी होती है किसी भी रेमेडी को करने से पहले, ताकि जो भी हम चीजें अपनी स्किन के ऊपर अभी एप्लीकेट करने वाले हैं उसका भरपूर फायदा हमें हमारी स्किन को देने के लिए मिले। तो हमने करना क्या है, स्किन को क्लीन करना। क्लीन करने के लिए सिंपली हमने लेना है बेसन, मैंने लिया है करीब 1 से 2 चम्मच। उसके साथ में आप इसमें डाल सकते हैं रोज वाटर या फिर सिंपल पानी। इसके साथ में बढ़िया से अपने फेस को आपने क्लीन करना है। अब ऐसा नहीं है कि खाली लगा लिया और छोड़ दिया, बहुत लोग होते हैं थोड़ा सा लेते हैं लगाया बस हो गया, नहीं, आपने हर एरिया, हर नुक को आपने कवर करना है। पूरे नाक के आसपास का जो एरिया होता है, फॉरहेड के आसपास का जो एरिया होता है, कान के पास में जो एरिया है, गर्दन वर्दन सारी आपने अच्छे से क्लीन करनी है, क्योंकि इस क्लीनिंग के प्रोसेस में ही आपको माइल्ड एक्सफोलिएशन भी मिल जाता है। तो क्लीनिंग करते वक्त आपने एक चीज ध्यान देनी है कि नाक के आसपास, क्योंकि व्हाइट हेड ब्लैकहेड बहुत ज्यादा बनते हैं, डार्क पैचेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जो कि बहुत ही बंदे लगते हैं, बहुत गंदे लगते हैं। तो क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद में हम अपने सिंपल पानी के साथ में अपने फेस को वॉश करेंगे। सेकेंड प्रोसेस जो है वो है एक्सफोलिएशन का। एक्सफोलिएशन सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि हर स्किन टाइप को करना चाहिए, हमारी स्किन पे तो कुछ ऐसा नहीं है, हम क्यों एक्सफोलिएशन करें। बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज आती है, बिल्कुल भी खुरदुरा नहीं है, हम क्यों एक्सफोलिएशन करें। नहीं जी, एक्सफोलिएशन हमारी स्किन के ऊपर जमी हुई डेड स्किन जो कई बार फील हो जाती है, कई बार दिख जाती है, कई बार नहीं दिखती है, और बहुत बार ऐसा होता है ऑयली स्किन वालों को पता ही नहीं चलता है कि उनकी स्किन के ऊपर डेड स्किन है या फिर उनका कलर ही डल हो गया। तो अगर आप एक्सफोलिएशन करते हैं तो स्किन के ऊपर जमी हुई वो काली सी परत हट जाती है, डेड स्किन की लेयर हट जाती है, और उसके साथ ही स्किन के ऊपर बने हुए व्हाइट हेड ब्लैक हेड भी इसी प्रोसेस में खत्म हो जाते हैं। अब जो एक्सफोलिएशन होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है केमिकल पीलिंग जो कि हम अक्सर कुछ ना कुछ पदार्थ लगाते हैं अपने चेहरे के ऊपर, और एक होती है जो कि हम DIY वाले यूज करते हैं। और इससे होता यह है कि हमारी स्किन के ऊपर जो भी जमा हुआ डेड स्किन है उसको ये सबको लेके निकल जाता है। के लिए हमने लेना है आपकी किचन में रखा हुआ आलू, अच्छे से इसको धोएंगे और छील लेंगे। छील के आपने इसको चाहे तो कद्दूकस कर लेना है और चाहे तो आप ग्राइंडर की हेल्प से इसको ग्राइंड कर लीजिए। इसको आपने ग्राइंड कर लेना और इसको आपने जब लगाना है उसी वक्त ही आपने ग्राइंड करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको बना के रख लेंगे और बाद में लगाएंगे तो ये काला पड़ जाएगा, क्योंकि आलू है और आलू को ऑक्सीडाइज होते हुए टाइम नहीं लगता है, तो हमने तुरंत के तुरंत इसको यूज करना है। तो मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ और ग्राइंड करने के बाद में हम इसको डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर एप्लीकेट करेंगे। थोड़ा सा अनइजी होगा लगाने में क्योंकि ये गिरता है और क्योंकि खुरदुरा है, ये आपके स्किन के ऊपर जब लगेगा तो आपकी जो स्किन की अनइवन स्किन टोन है, यानी कि आपका फेस का कलर अलग, गर्दन का कलर अलग, या चेहरे के ऊपर भी बहुत ज्यादा अगर पैचेस बन गए, ये उसके ऊपर मेनली फोकस करेगा, यानी कि आपकी स्किन को ब्लीच करेगा और जो भी डार्क स्पॉट्स होंगे उसको ये रिड्यूस करेगा धीरे धीरे। अब यहाँ पर काफी लोग बोलेंगे कि भैया रेखा तुम तो बोलते हो एक ही बार में, तो ये एक ही बार मतलब यानी कि अगर आप ग्रेजुअली करते जाते हैं तो आपको जब जब आप इसको यूज करेंगे तब तब आप पर इसका रिजल्ट तुरंत के तुरंत हाथों हाथ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखा कीजिए। तो हमने क्या करना है, अच्छे से हमने इससे अपने चेहरे को रब करना है, ये हमारी स्किन को ब्लीच भी कर रहा है और माइल्ड एक्सफोलिएशन का भी काम कर रहा है। इसके बाद में सिंपल पानी के साथ में आप वॉश करेंगे और यहीं पर इसी स्टेप में ही आपको अपना स्किन काफी हद तक क्लीन होता हुआ दिखेगा। आप मेरी बात मत मानिए, मैं ये भी कह रही हूँ, आप अपने ऊपर ट्राई करो, आप मेरे सुन के या ये मत सोचिए कि है इसकी तो स्किन ऐसी है, कैमरा किया होगा, ये है वो है फलाना ढिमकाना, लाइट होगी, बहुत सारे कॉमेंट आते हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। मैं सिंपली आपसे ये कहती हूँ,
अपने ऊपर ट्राई करो, आपके ऊपर जब रिजल्ट आएगा आप डेफिनेटली इसको दोबारा से दोबारा करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी डेफिनेटली, इसकी मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी रेमेडीज को हर दूसरे तीसरे दिन रिपीट जरूर करती हूँ क्योंकि मुझे उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो जब आपको इसका रिजल्ट आएगा आप भी इसको रिपीट करने की ट्राई करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेप जो कि है माइल्ड एक्सफोलिएशन। थर्ड में हम अपनी स्किन के लिए क्रीम ऐसी क्रीम बना रहे हैं जो कि हमारे कलर को फेयर भी करेगी, स्किन को टाइट भी करेगी, हमारी स्किन को अपलिफ्ट भी करेगी, साथ में ये आपके स्किन के ऊपर एक मॉइस्चराइज देने का काम करेगी। स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है काफी लोगों की अगर सर्दियों में, तो आपके लिए ये बेस्ट क्रीम का काम करने वाली है। तो हम इसमें लेने वाले हैं सबसे पहले 1 से 2 चम्मच ओट्स। ओट्स यानी ओट मिल जो आप दूध में डाल के खाते हैं या नमकीन भी बना के खाते हैं, इसमें पाया जाता है लॉट्स ऑफ फाइबर और उसके साथ ही आपकी स्किन के लिए इसमें बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपकी स्किन की नीड है, यानी आपकी स्किन का खाना है। तो हमने इसमें लिया है 2 चम्मच ओट मिल। इसके साथ में मैंने इसको उसी ग्राइंडर में ही डाल दिया जिसमें मैंने आलू को ग्राइंड किया था, ठीक है। तो आप भी उसी में डाल के कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा ब्लीचिंग एजेंट भी इसमें मिल जाएगा अगर आपने पहले वाला किया, और इसमें भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसी आलू वाले जार में ही आप इसको कर सकते हैं। इसमें हमने डाला और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ चुटकी भर हल्दी। हल्दी कंपलसरी है, अगर कस्तूरी हल्दी है तो आप डालिए ही डालिए, किचन की हल्दी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन हल्दी हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, ये चीज आप ध्यान में। अब हम इसमें डाल रहे हैं हनी। हनी हमारी स्किन को मॉइस्चर देता है, प्लस में अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज आपको ऑलरेडी मिल गया, ये उसको लॉक भी करता है, जाने नहीं देता है। तो हनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, इसमें भी माइल्ड एक्सफोलिएशन आपको मिलता है, तो हमारी स्किन बहुत बढ़िया से आपको पील होती हुई भी दिखेगी इसी वाले स्टेप में। तो हनी हमने मिला लिया करीब 1/2 चम्मच के आसपास, साथ में हम दही मिलाएंगे। दही आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मिलाइए, अगर आप इसको पतला बनाना चाहते हैं तो है, अगर आप उसको गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 1 चम्मच के आसपास इसमें दही लिया क्योंकि लगना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए दही, उसके हिसाब से मैंने लिया है। अगर आपका पतला दही है तो प्लीज आप उसको ना थोड़ा सा गाढ़ा ही रखिएगा, यानी कि ओट ज्यादा रखिएगा, दही कम डालिएगा। इसको आपने ग्राइंड करना है सबसे पहले, और जब ये ग्राइंड हो जाए, जब आप इसको निकाल लेंगे, तब आपने इसमें मिलाना है 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल। एलोवेरा में क्या होता है, एलोवेरा आपकी प्रॉपर्टीज देता है रिंकल फ्री स्किन को करने की, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके कलर को भी फेयर करता है, इसीलिए एलोवेरा बहुत ज्यादा यूज में आता है। जो लोग एलोवेरा यूज करते हैं उनको पता है कि स्किन कितनी ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है, और स्किन जब ड्राई हो जाती है, स्किन एकदम डल लगने लग रही है, यानी कि आपकी स्किन को पानी भरपूर मात्रा में नहीं मिल रहा, तभी बोला जाता है पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, जिम रेगुलर जाइए जैसे कि मैं जाती हूँ, और इसके साथ ही आपको अपने खाने पीने के ऊपर भी ध्यान बहुत ज्यादा देना होता है। तो हमने क्या करना है, इसमें हमने एलोवेरा डालना है, और साथ में मैं इसमें डाली हूँ 1-2 जैसे कैप्सूल, अगर आप ले सकते हैं विटामिन ई के तो वो ले लीजिए, नहीं तो आप 1/2 चम्मच भर के इसमें विटामिन ई का ऑयल डालेंगे। ऑयल जरूरी डालना है, अगर आप ऑयल के लिए कंफर्टेबल नहीं है या फिर अभी आपके पास ऑयल नहीं है तो आप देसी घी यहाँ पर इसमें एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन की एजिंग के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, और इसको अब हम अपने चेहरे पर लगाने से पहले एक चीज और इसमें एड ऑन करेंगे, जो कि आपको लास्ट में ही एड ऑन करनी है। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले से इसमें ऐड कर देंगे तो उसका हमें प्रॉफिट उतना नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आप लगाने वाले हैं उसके जस्ट पहले आपने इसमें मिलानी है 1 चुटकी भर के फिटकरी का पाउडर। फिटकरी आपके कलर को फेयर करती है, डार्क स्पॉट्स को हटाती है, फिटकरी में ब्लीचिंग एजेंट भी है और साथ में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी है। कलर को फेयर करने के साथ में आपकी स्किन को अपलिफ्ट करता है, स्किन बहुत ज्यादा अगर आपकी लूज हो गई है तो इसको टाइट करने के लिए आपको फिटकरी का यूज डेफिनेटली करना चाहिए, ट्राई करके देखना चाहिए, आपको अपनी स्किन के ऊपर इसका रिजल्ट दिखाई देगा। लगाने से तुरंत पहले आपने इसको लगाना है और उसके बाद में आपने इसको लगा लेना है। टाइम का ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने आपको बोला लगाने के तुरंत पहले टाइम देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हमने इसको रखना है, चाहे ये सूखे चाहे गीला रहे, वैसे ही सूखेगा नहीं क्योंकि इसमें दही है, लेकिन आपने सिर्फ 5 ही मिनट रखना है, इसके ऊपर आपने नहीं रखना है। अब मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ, लाइव दिखा रही हूँ, रिजल्ट आपके सामने है। आपको आज के इस वीडियो में 2 बार रिजल्ट दिखा होगा, 1 जब हमने अपनी स्किन को एक्सफोलिएशन किया और 2 जब हमने अपनी स्किन के ऊपर ये पैक लगाया, दोनों टाइम में आपको अपनी स्किन के ऊपर बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। इसको करने के बाद में आपने सिंपल पानी के साथ में अपने, और अगर लग गए आपको कि आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई लग रही है, खिंची खिंची हो रही है, तो आप यहाँ पर अपनी स्किन के ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो एलोवेरा में 2 से 3 ड्रॉप ऑलिव ऑयल की डाल सकते हैं और इसको अपनी स्किन के ऊपर लगा लीजिए, आपकी स्किन बहुत बढ़िया से हाइड्रेटेड हो जाएगी। आशा करूंगी ये रेमेडी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि ऐसे DIYs हैं जो सब लोग मांगते हैं, सब लोग को चाहिए, लेकिन
पता नहीं चलता है किसका सही है किसका गलत है, तो एक बार अगर करेगा मम्मी के साथ, मासी के साथ, चाची के साथ, ताई के साथ, हर किसी के साथ शेयर करेगा ताकि उनको भी इन रेमेडीज का बेनिफिट मिल सके। अपना खूब सर्दियां चल रही हैं, खाना पीना हेल्दी रखिए, स्किन के ऊपर उसका रिफ्लेक्ट आपको दिखाई देगा। लेकिन जिम जाना जरूर कीजिएगा, जिम जरूर जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।